हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे विंका फ्लावर के बारे में, जिसको सदाबहार भी बोला जाता है एंड जिसको पेरीविंकल भी बोला जाता है। अगर इसका वाइट फ्लावर है तो इसको वाइट विंका या वाइट पेरीविंकल बोला जाता है। अगर इसका पिंक फ्लावर है तो पिंक विंका, पिंक पेरीविंकल बोला जाता है। बट मोस्ट ऑफ द एरियाज इसको बोला जाता है सदाबहार। कुछ लोगों की तरफ से ये प्रॉब्लम आती है कि हम सदाबहार के बहुत सारे प्लांट्स घर में लगा लेते हैं एंड बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करते हैं, बट जब रेनी सीज़न आता है तब या फिर जब विंटर सीज़न आता है तब ये प्लांट जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, तो आपको कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए टू मेक देम सदाबहार, तो आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो मैं बताऊँगी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देसी एंड हाइब्रिड विंका। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड, बिफोर दिस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो यहाँ पे ये आप देख लो मेरे पास कितने सारे क्यूट क्यूट से फ्लावर्स हैं एंड मेरे पास कुछ मोस्ट्रोज भी हैं। अब हम बात करते हैं विंका के बारे में। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि देसी विंका एंड हाइब्रिड विंका में क्या डिफरेंस होता है। जो देसी विंका है वो आपका हमेशा सदाबहार ही रहेगा, वो कभी भी नहीं मरेगा। अगर वो विंटर में कम फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देता है जैसे ही समर स्टार्ट होंगी, तो वो बहुत अच्छे से फिर से बहुत सारी कलियाँ लेके आएगा, बहुत सारी फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम करेंगे उसमें और ज़्यादा फ्लावर्स ब्लूम करेंगे। तो ये तो हो गया सदाबहार जो देसी वैरायटी है। अब सदाबहार आता है जो हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड विंका ग्रो करना बहुत इजी होता है। अगर आप इसके सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन परचेज करने पड़ेंगे। अगर आप कटिंग से करना चाहते हैं तो आप एक प्लांट लेके आओ नर्सरी से एंड उससे कटिंग से लगा लो। बट जो देसी होती है वैरायटी, उसमें क्या होता है उसके जो सीड्स है वो खुद गिरते रहते हैं एंड उनसे न्यू प्लांट्स तैयार होते रहते हैं। मैं आपको बता दूंगी इसके बॉटम में कितने छोटे छोटे से प्लांट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आपके जो विंका, जो हाइब्रिड विंका है, जो हाइब्रिड आपकी जो वेराइटीज़ हैं इनके जो सीड्स हैं वो अगर सॉइल पे गिरते हैं तो उसके बाद जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो जो फ्लावर आता है वो आता है देसी का, ये वाला फ्लावर आएगा, इनका खुद का फ्लावर नहीं आएगा। क्योंकि इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, अगर आप देसी के सीड से इनको ग्रो करोगे तो यही फ्लावर आएगा, अगर आप हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स ग्रो करोगे तो आपको फ्लावर यही वाला मिलेगा। आप तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। एंड उसके बाद प्रॉपिगेशन क्या है, आप इसको कटिंग से लगा सकते हो, इसको सीड से लगा सकते हो। उसके बाद है कि अगर आपका प्लांट जो है बनने को आ जाता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जब भी मॉनसून स्टार्ट हो तो आपको आफ्टर 15 to 20 days इसको थोड़ा थोड़ा सा फंजिसाइड डालते रहना है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण ये थोड़ा सा प्लांट जो हाइब्रिड वैरायटी ये थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। ज़्यादा पानी पड़ने के कारण, ओवर वाटरिंग होने के कारण इसके जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाती है, रूट रॉटिंग होती है। उसके बाद धीरे 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 प्लांट सारा ड्राई हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा एंड ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, ना स्प्राउटिंग होगी। सो इसीलिए कई लोग अगर बोलते हैं कि हम सदाबहार लेके आते हैं, है तो ये सदाबहार, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट जो देसी है उसका ज़रा भी, उसको अगर ओवर वाटरिंग भी हो तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा। जो हाइब्रिड वैरायटी है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है इनका। एक और चीज़ आती है कि अगर विंटर में आप देखते हो तो फ्लावरिंग विंटर में बहुत कम हो जाती है, चाहे वो देसी वैरायटी है आपकी, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हो, इसकी अच्छे से कटिंग कर सकते हो विंटर की स्टार्टिंग में, अक्टूबर मंथ में इसकी कटिंग कर लो। उसके बाद इसकी जो एक्चुअली विंटर्स में, अब जो सदाबहार के प्लांट्स लगाते हैं उनको पता है कि विंटर्स में भी ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, दे जस्ट लव सनलाइट। समर्स में इनको ज़्यादा सनलाइट मिलने के कारण ये बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं, बहुत इनको फ्लावर्स आते हैं। बट जैसे विंटर स्टार्ट होती हैं, लाइक नवंबर के फर्स्ट वीक टू नवंबर के मिड में अगर देखा जाए तो इनकी जो फ्लावरिंग है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको ऐसे प्लेस पर रखना चाहिए जहाँ पर इसको रोज़ धूप मिलती रहे,
विंटर में क्या होता है, धूप बहुत कम कम पड़ती है। एंड तब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वीक में इसको सिर्फ दो बार पानी देना है, इससे ज़्यादा बार पानी नहीं देना है। एज वी नो दैट समर्स में क्या करना पड़ता है, हम ज़्यादा धूप पड़ने के कारण इनके जो सॉइल है वो हर रोज़ ड्राई होती है एंड हमें सुबह तो पानी देना ही होता है हर रोज़। बट विंटर में आपको सिर्फ वीक में दो बार पानी देना है, इससे ज़्यादा दोगे तो ये डेड हो जाएगा। ये सारे हाइब्रिड विंका के हैं एंड हाइब्रिड विंका के लिए आपको अगर सीड से आपको लगाना है, ये सभी प्लांट्स मैंने सीड से लगाए हैं, मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। तो ये था हमारा सदाबहार प्लांट के बारे में। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडे। लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।